विष्णु ब्रह्मा बृहस्पते ओम जागृत गौरी देवस्य धीमहि मा प्रथमं वाचो नमोस्तुते मा प्रथमं वाचो नमोस्तुते ओम विष्णु ब्रह्मा बृहस्पते मा प्रथमं वाचो नमोस्तुते ओम जागृत गौरी नमोस्तुते जय जागृत गौरी नमोस्तुते मा जागृत गौरी नमोस्तुते मा जागृत गौरी नमोस्तुते ओम काली चंडी लक्ष्मी दुर्गा राधे अंबे सरस्वते ओम काली चंडी लक्ष्मी दुर्गा राधे अंबे सरस्वते ओम हिरण्य अर्धमा शिव माते ओम अंजनी भामरा देव माते ओम हिरण्य अर्धमा शिव माते ओम अंजनी भामरा देव माते ओम सीता राम गदा हस्ते ओम तारणी माते पार्वते ओम सीता राम गदा हस्ते ओम तारणि माते पार्वते ओम जय श्री गणपते पार्वते ओम जय श्री कार्तिकायते ओम जय श्री गणपते पार्वते ओम जय श्री कार्तिकायते ओम सर्वरूपी देव माते ओम सर्वरूपी देव माते मा बारंबार नमोस्तुते मा बारंबार नमोस्तुते ओम विष्णु ब्रह्मा बृहस्पते ओम विष्णु ब्रह्मा बृहस्पते ओम विष्णु ब्रह्मा बृहस्पते ओम गर्भ गदा हस्ते मा प्रथमं वाचो नमोस्तुते ओम जागृत गौरी नमोस्तुते जय जागृत गौरी नमोस्तुते मा जागृत गौरी नमोस्तुते मा जागृत गौरी नमोस्तुते त्र्यंबकं शिव शंकरं ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं ओम शन्नोर्देवीर्भीष्टयं ओम शन्नोर्देवीर्भीष्टयं अपोभवन्तु पित्ययम् अपोभवन्तु पित्ययम् ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं ओम दैत्यानं मा परं गुरु ओम दैत्यानं मा परं गुरु ओम सर्वशास्त्र प्रवक्तारं ओम सर्वशास्त्र प्रवक्तारं ओम त्र्यंबकं नमो शिवं मा तन्नमामि शनैश्चरं ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं शं तन्नमामि शनैश्चरं ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं शं तन्नमामि शनैश्चरं नीलांजन संभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरं ओम त्र्यंबकं शिव शंकरं शं तन्नमामि शनैश्चरं ओम
स्तवकं यजामहे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे इति खत्यं वैष्णवितं माते इति खत्यं वैष्णवितं माते पतित पुनीत पवित्रं प्रभु पतित पुनीत पवित्रं प्रभु ॐ सत्यं मिथ्या पार्वती ॐ सत्यं मिथ्या पार्वती। ज्ञान सार की आरती पथ भजन माला श्री श्री 108 में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर श्रवण लाभ हेतु गायन प्रस्तुत किया जाने वाला शोध के अनुसार वैदिक मंत्रों का अर्थ एवं योग भक्ति तथा महत्वपूर्ण चित्त चेतना अर्थ है। ओम जो निराकार है उसी शक्तिमान को देह तन मन धन से नमन करता हूं और परम पूजनीय मां को गुरु अतः स्नेह ध्यान करता हूं और ओम जो निराकार है समस्त शास्त्रों का प्रवक्ता है एवं समस्त क्रूर ग्रहों की क्रूरता और तुच्छहीन दृष्टि को नष्ट करता है। ओम जो निराकार है त्रिनेत्र वाले उसी शिव भगवान को मैं सत्य देह एवं शुद्ध हृदय से नमन करता हूं। अतः तन ग्रस्त होने वाले इस आत्मीय शरीर को सक्षम सौहार्द देने के लिए शनि पीड़ा से शनि दान कर मन की शांति चाहता हूं। ओम जो निराकार है त्रिनेत्र वाले उसी शिव भगवान को नमन करता हूं और शनि को शनि शस्त्रों का निर्वाह कर स्वच्छ दान देता हूं। विष्णु भगवान अतः शिव नारायण के सम्मान हेतु निवेद्य निवेदन करता हूं कि सूर्य पुत्र एवं राहु यान धृष्ट घटित घटनाओं को भविष्य काल में समर्पित करता हूं। अतः तन मन धन से शनि को शनि शस्त्र शनि दान देता हूं। ओम जो निराकार है त्रिनेत्र शिव भगवान को जो कि यजामहे की सेवाओं से तृष्ट हैं इस प्रकार काटने और जोड़ने की प्रारंभिक वासनेस को मां के चरण समर्पित करता हूं। पतित एवं पुनीत को अर्थात मेरे अंदर की समस्त बुराइयों को भगवान से दूर करने की प्रार्थना करता हूं एवं पवित्रम प्रभु भगवान जागृत गौरी मुझे समस्त बुराइयों से पवित्र करे। ओम जो निराकार है और सत्य है इस संसार में मां पार्वती ओम जागृत गौरी के रूप में अवतरित हैं मैं उन्हें सदैव शत शत नमन करता हूं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत् ये तीनों शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने हेतु उपयोग होते आ रहे हैं। सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मण इन्हीं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा परम ब्रह्म को संतुष्टि करने के लिए यज्ञों के समय उपयुक्त करते हैं। अतः योगी जन भगवान के परम प्रेम को प्राप्त करने हेतु शास्त्रीय वैदिक ज्ञान के अनुसार यज्ञोपान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से किया जाता रहा है क्योंकि यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रवर्तित होना होता है। अतः परिवर्तन कर अपने को भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित कर दर्शन देते हैं। अर्ध शिव रूपी विष्णु सिद्धि में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारती है और समस्त मनुष्यों पर उपकार दर्शाती है।
महामान रखती है जो कि मनुष्यों की समझ से दूर की बात है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना ही नैवेद्य प्रकार से यज्ञ, तप तथा दान को गौरी का अर्ध शिव मानकर ओम तत् सत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी महामान दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होता है।